एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य कानून, शिक्षा, सड़क, बिजली व पानी के बेहतर से बेहतर सेवा व सुविधा मुहैया कराने को लेकर गंभीर है, पर उनके मातहती उनके इस मंसूबे पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत नेपाल की सीमा पर स्थित ठूठीबारी ग्राम सभा के टोला सड़कावा में, जहां बच्चों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य भवन टीकाकरण सेंटर बनाया गया है। हैरानी होती है कि जो स्वास्थ्य भवन खुद ही गंभीर रूप से बीमार है, वह नौनिहानों की बीमारी का कैसे इलाज कर रहा होगा। दिन बुधवार को बार्डर न्यूज लाइव की टीम ने जब पड़ताल के लिए संबंधित सेंटर पर पहुंचा, वहां की व्यवस्था और परिसर में फैली गंदगी देख हैरान हो गया। जिस विभाग से स्वच्छता का संदेशा फैलाया जाता है, वहीं गंदगियों का अंबार पड़ा है। जर्जर भवन में जान जोखिम में डाल स्वास्थ्य कर्मी सेवा तो दे रही हैं, पर उनके मन में भी विभाग के खिलाफ गुस्सा देखा गया। सभी ने यही आरोप लगाया कि विभाग बार बार जर्जर भवन व्यवस्था की तस्वीर तो मंगा लेता है, पर अब तक इस स्वास्थ्य सेंटर की तस्वीर नहीं बदल सकी है। तो आइए करते हैं लाइव पड़ताल बार्डर न्यूज लाइव टीम के साथ। तो बने रहिए अपने न्यूज चैनल बार्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। सबसे पहले हम आप सभी का अपने न्यूज चैनल बार्डर न्यूज लाइव में बहुत स्वागत करते हैं। इस समय मैं हूं भारत नेपाल की सीमा ठूठीबारी ग्राम सभा के टोला सड़कावा में, जहां पे एक विभाग ऐसा है जिसे हम स्वास्थ्य विभाग कहते हैं। बड़े हैरत की बात है कि प्रदेश में योगी सरकार स्वास्थ्य महकमा, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, इन सबको बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, काफी प्रयास कर रही है, धन का आवंटन भी कर रही है कि इनको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि भारत नेपाल की सीमा ठूठीबारी में है, जो महाराजगंज जनपद का अंतिम छोर माना जाता है, जहां से हजारों की संख्या में प्रतिदिन नेपाली सैलानियों का आना और जाना लगा रहता है। आप यह दृश्य देख के बड़े हैरान हो जाएंगे कि ये स्वास्थ्य महकमा का भवन है, जहां बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। ये स्वास्थ्य महकमा अपने आप में खुद ही इतना गंभीर रूप से बीमार है, ये दूसरों के गंभीर बीमारी का कैसे इलाज करता होगा, ये बड़े हैरानी की बात है। तो मैंने अब तक बताया इस स्वास्थ्य भवन के बारे में, यो जो स्वास्थ्य भवन है जहाँ पे सप्ताह में दो दिन टीकाकरण का काम किया जाता है, आज हम उसी की पड़ताल के लिए निकले हुए हैं। आज दिन बुधवार है, आज टीकाकरण का काम भी चल रहा है। इस संसाधन विहीन स्वास्थ्य भवन को आप देख के आपको अंदाजा लग जाता होगा कि जिस स्थिति में यह स्वास्थ्य भवन, जिस जर्जर स्थिति में यह स्वास्थ्य भवन है, इसमें कहीं कभी भी किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये जर्जर भवन कभी भी ध्वस्त हो सकता है, गिर सकता है। हमें तो ये आशंका है आगामी बरसात के दिनों में, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो बारिश का समय होगा, जो बरसात का समय होगा, जिस हालत में, जिस स्तर पर ये स्वास्थ्य भवन है, वो निश्चित तौर पर किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाएगा। हम आपको लेकर चल रहे हैं आज उसी स्वास्थ्य भवन के स्वास्थ्य ऑफिस में, जहां कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण के लिए आई हैं। आज उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से पड़ताल करेंगे कि उन्हें यहां किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या यहां पे तैनात जो ANM है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो यहां पे किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं, किन किन मुश्किलों का सामना करती हैं और किन किन जरूरतों की उन्हें दरकार है। तो आइए चलते हैं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं मुख्य स्वास्थ्य भवन के उस मुख्य कार्यालय पे, जहां टीकाकरण का काम चल रहा है, जहां पे स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं और कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर टीकाकरण के लिए आई हुई हैं। आइए हम उन्हीं ANM स्वास्थ्य कर्मी से बात करेंगे कि यहाँ पे संसाधनों की जरूरत है, कौन कौन से संसाधन यहाँ पे ध्वस्त पड़े हैं और किन परिस्थितियों में, किस स्थिति में वो यहाँ पे अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं। मैं इस समय हूँ ठूठीबारी के टोला सड़कावा में, जहाँ पे ये स्वास्थ्य भवन है। आप इस स्वास्थ्य भवन को देख के खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्वास्थ्य भवन अपने आप में भी इतने गंभीर रूप से बीमार है कि दूसरे गंभीर रूप से पीड़ित बीमार लोगों का इलाज कैसे होता होगा, ये खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी भी तैनात हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रही हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं आप खुद देख लें।
यहाँ बिजली कनेक्शन तो है, आप इधर थोड़ा फोकस कीजिए, यहाँ पे बिजली कनेक्शन है, बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। न तो इस कमरे में किसी लाइट की व्यवस्था है और ना ही उस पंखे की तरफ फोकस कीजिए, ना ही वो पंखे की कोई व्यवस्था है। इसके बावजूद हम जानकारी लेंगे यहाँ पे तैनात जो कर्मचारी हैं, जो एनएम है, कि उन्हें यहाँ पे किन तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन किन परिस्थितियों में वो अपने दायित्वों का निर्वहन करती हैं। हम वाले पहले सबसे पहले चलते हैं, जो यहाँ टीकाकरण के लिए आई महिलाएं अपने बच्चों को लेके आई हैं, उन्हें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम आपका? कहाँ की रहने वाली है? क्या करने के लिए आई है? कितने साल की हुई है? तो गर्मी तो हो रही होगी, गर्मी है तो यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, पंखा का नहीं चल रहा है, तो कहीं शिकायत की आपकी ये करती हैं कि मतलब यहाँ पे आने के बाद ये दिक्कत होता है, पंखा नहीं है। अब ये देखिए, ये भी एक महिला है जो अपने बच्ची को लेके आई है टीकाकरण के लिए, ये गर्मी से तरबर है, यहाँ बिजली तो है, आपूर्ति भी है, कनेक्शन भी है, पर पंखा नहीं है। इसके बाद हम पूछेंगे यहाँ पे तैनात जो कर्मी है उनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम? संगीता। संगीता जी, संगीता जी, यहाँ पे ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित टूटीबारी के टोला सड़कावा में आप तैनात हैं, ये स्वास्थ्य भवन है और आज बुधवार का दिन है, टीकाकरण का काम भी चल रहा है। ये तो मैं इसके पहले भी आया था तो आप बराबर यहाँ पे तैनात मिलती है आपको। यहाँ पे ये दिक्कतों का जो सामना करना पड़ा, बिजली आपूर्ति तो है, कनेक्शन भी है, हम देख रहे हैं बिजली भी है, इसमें न तो यहाँ पे कोई लाइट की व्यवस्था है, न तो पंखे की व्यवस्था। ये जो महिलाएं आ रही हैं, जो छोटे छोटे ये बच्चे हैं टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, इस प्रचंड गर्मी में कैसे का अपने ड्यूटी का निर्वहन करती हैं? अब ड्यूटी है तो ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। तो इसकी शिकायत आप उच्च अधिकारियों को नहीं करते कि ये साहब यहाँ पे स्वास्थ्य भवन है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और इस प्रचंड गर्मी में इतनी बड़ी दिक्कतों का सामना बोला गया है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये स्वास्थ्य भवन जिस स्थिति में है, जितना मतलब ये जर्जर हो चुका है, ध्वस्त की अवस्था में, अब आने वाले समय में बरसात का मौसम आने वाला है और हमें जो जानकारी मिली, आसपास के लोगों से जानकारियां मिली है कि आप यहाँ अपने परिवार के साथ रहती भी हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है आपके साथ कि कभी यहाँ पे जहरीले जीव जंतु या जानवर या कीड़े मकोड़े आपको देखने को मिला हो? हाँ। तो आपको डर नहीं लगता यहाँ पर रहने में? डर तो लगता है। तो अपना जीवन इतना जोखिम में डाल के आप यहाँ पे ड्यूटी पे रहती हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करती हैं? हम लोग बहुत दूर से आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बनारस की? बनारस तो बहुत बड़ी सिटी है और वहाँ से तैनात है हम लोग, इतनी सैलरी नहीं है कि हम लोग भाड़े पे रूम लेके रह सके। ये बात तो है, लेकिन ये तो बड़ा सुखद है कि आप ऐसे क्षेत्र से हैं कि हमारे देश का जो नेतृत्व करने वाला है प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस से ही अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उतने बड़े सिटी से आके आप छुट्टीवारी से भारत नेपाल की सीमा पे इस प्रचंड गर्मी में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुशी भी हो रही है कि आप अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन कर रही हैं। लेकिन इस संसाधन विहीन इस भवन में जो यहाँ की स्थिति है, जितनी गंदगी है, एक कहावत कहा जाता है कि ये स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ से स्वच्छता का संदेश जाता है समाज में कि आप स्वच्छ रहें तो स्वस्थ रहेंगे, तो जितनी गंदगी यहाँ आसपास आपके परिसर में पड़ी हुई है उससे देख के ऐसा नहीं लगता है कि ये स्वास्थ्य भवन है? ये स्वास्थ्य भवन अपने आप में खुद ही बीमार है, आपको नहीं लगता? लगता है। तो इस बात तो आपको अपने अधिकारियों से कहना चाहिए कि साहब हम जिस परिसर में हैं वहाँ इतनी गंदगियां हैं कि हम उन गंदगियों के बीच उपचार किसी करें? ये मरम्मत के लायक तो भवन रही नहीं गया है, मरम्मत तो इसका हो ही नहीं सकता है, ये तो मरम्मत के समय ही ध्वस्त हो जाएगा। तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से आपके उच्च अधिकारियों सहित जिला प्रशासन के लोगों से अनुरोध करेंगे कि जिस स्थिति में ये भवन है, ये स्वास्थ्य भवन है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, अगर ये कहीं बरसात का मौसम हो, हमें सुनने में आया है कि ये बरसात के मौसम में घुटने भर ये बारिश के पानी लग जाता, उसमें तो महिलाएं आती नहीं होंगी? नहीं। फिर आप लोगों को फील्ड में जाना होता होगा। हाँ। तो ये तो दिक्कत हो। हम इसी तरह एक यहाँ की जागरूक महिला है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे इस स्वास्थ्य भवन के बारे में। आपका क्या नाम है? आपका शुभ नाम तो बताइए, नाम बताइए। मंजू वर्मा। आप कहाँ की? छुट्टी बारी ग्राम से बात है? किस मतलब इसी टोले की? हाँ, हाँ।
ये जो स्वास्थ्य भवन है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आते हैं टीकाकरण के लिए, वो इस भवन में आने में उनको भय नहीं लगता है? लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि ये भवन कभी भी गिर सकता है? हाँ, लगता है। और इस प्रचंड गर्मी में जो आप हाथ में पंखा लेकर बैठी है, तो ये गर्मी का एहसास आपको नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो आप बताती हैं यहाँ के जो कर्मी तैनात, उनसे नहीं करते कि ये आपकी क्या व्यवस्था है, इस व्यवस्था के बारे में बहुत कहा गया है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुधार नहीं हो रहा है? आपका नाम? निर्मला वर्मा। कहाँ से आई है? यहीं के हैं। आप भी कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग संबंधित? स्वास्थ्य। आप किस पद पे हैं? आशा है। तो ये तो आप लोगों का दायित्व है कि यहाँ की व्यवस्था की देख रेख रहे हैं, जो भी यहाँ कमियां हैं अपने संबंधित अधिकारियों को बताएं। तो क्या आपने कभी बताया कि साहब ये छोटी वाली स्वास्थ्य भवन है वो तो खुद बीमार चल रहा है? जी सर, हम लोग कहे थे कई बार, फोटो तो खींच के ले गए हैं, मतलब फोटो खींचा जाता है लेकिन तस्वीर आता नहीं है, तस्वीर नहीं आता है, कुछ करवाई नहीं, मतलब केवल फोटो खींच के जाता है, तस्वीर नहीं आता। बारिश में आते हैं लोग कमरा मरा कर, बारिश में क्या स्थिति रहती है इस परिसर की? बहुत खराब रहता है, बहुत खराब रहता है। हम लोग, आप किस पद का क्या है? आंगनवाड़ी। क्या नाम आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, आपकी आंगनवाड़ी है जी। तो ये स्वास्थ्य महकमा भी हमको लगता है कि आपके दायित्व क्षेत्र में ही आता होगा। हाँ जी, हमारा ही सेंटर। तो ये बताइए, आपका सेंटर है, आपके सेंटर में इतनी गंदगी, इतना बुरा अवस्था, तो हम जाते हैं कि बूचड़ खाने में भी देखने को नहीं मिलता होगा, मछली खाने में नहीं? सर, हम लोग कई बार अपने स्वास्थ्य विभाग से कहते हैं भी, लेकिन ये लोग सुनवाई नहीं करते, फोटो खींच कर ले जाते हैं। ये तो आपको पता, आप तो पढ़ी लिखी लग रही है, आपको पता होगा कि स्वास्थ्य महकमा एक ऐसा विभाग है, स्वास्थ्य एक कहा जाए कि यहाँ से एक संदेशा जाता है, इस भवन से एक संदेशा फैलता है पूरे गांव में, पूरे वार्ड संख्या में, कि यहाँ से स्वच्छता का एक संदेश जाता है जी, कि आप स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अभियान तो चला जाता है, हम लोग भी उसमें जो सहयोग करते हैं। आप अभियान में हिस्सा लेती हैं, तो ये बताइए, आपका अभियान तो यही का धरा, यही जो है का धरा रह गया, जहाँ से इसकी ज्योत जगनी चाहिए वही गंदगियों का अंबार है। सही बात। तो वहाँ से इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? ये नए जो बच्चे आ रहे हैं, कभी नहीं सुधरेगा। तो ये टीकाकरण का कोई उद्देश्य तो रहा नहीं है? कुछ भी नहीं, सफाई करी। तो आपने देखा कि इस पड़ताल में यहाँ स्वास्थ्य से जुड़ी स्वास्थ्य कर्मी भी, महिलाएं भी हैं, आंगनबाड़ी भी हैं, आशा कर्मी भी हैं, जो खुद बता रही है कि इस बाबत, इस भवन को लेके, इस स्वास्थ्य भवन को लेके, यहाँ की व्यवस्था के लेके, यहाँ के परिसर की साफ सफाई को लेके अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई। अधिकारी तस्वीर तो खींच लेते हैं लेकिन इसकी तकदीर अब तक नहीं बदली। तो इसके तकदीर को बदलने के लिए इस पड़ताल को मैं अपने जिला प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं यहां के तैनात कर्मियों को कि वो अपने ड्यूटी पे तो तैनात है, अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रही है, लेकिन उनके साथ अगर किसी प्रकार का हादसा या दुर्घटना होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे आए नौनिहाल छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पालियों को लेकर आई महिलाएं, उनके साथ इस जर्जर भवन में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होते हैं? तो आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें बार्डर न्यूज लाइव। धन्यवाद।